हमारे साथ ब्लैक पर्ल आर्ट्स ग्रुप के डायरेक्टर अमूल जी साथ हैं हमारे। आइए जानते हैं अमूल जी से इस कार्यक्रम के बारे में कि आज आपने कौन सा प्ले किया। आज हमने यहाँ नोएडा रायगिरी में वुमेन एम्पावरमेंट पर हमारा एक स्ट्रीट प्ले नुक्कड़ नाटक है कुछ बात हो, जो मुद्दे उठाता है वुमेन सेफ्टी के ऊपर, भ्रूण हत्या के ऊपर, डाउरी के ऊपर, घरेलू हिंसा के ऊपर, जो आजकल इस देश में नारियों के प्रति हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमारी कोशिश है नुक्कड़ नाटक के द्वारा कि इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए। अभी तक आपने कहाँ कहाँ अपने नुक्कड़ नाटक की सभा की? ये अप्रोक्सीमेट पूरा हम लोग तकरीबन पूरा दिल्ली कवर कर चुके हैं। पूरा NCR करते हैं? हाँ, पूरा NCR करते हैं। ये करीबन 150 से 212 अभी तक हो चुका है। तो अभी तक किन किस सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं? इसके अलावा वुमेन सेफ्टी, एड्स अवेयरनेस, ब्लड डोनेशन और रोड रेज और भी बहुत सारे हैं। पोवर्टी के ऊपर है, चाइल्ड लेबर के ऊपर है, इन सब के ऊपर हम समय समय पर करते हैं। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? तकरीबन 60 लोग। 60 लोग, तो आप ये निःशुल्क सेवा देते हैं जहाँ भी नुक्कड़ सभाएं होती है, इसके लिए आपको चार्जेस वगैरह लेते हैं? नहीं, चार्जेस की ऐसी कोई वो नहीं है। अगर हमें कहीं से मेहनताना मिलता तो ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट चाहेगा कि उसे मेहनताना मिले, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तब भी हम लोग इसको जागरूकता के लेवल पर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है इन विषयों के ऊपर। अनमोल जी, लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे, जैसे कि आजकल दहेज प्रथा है, ये सब चल रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा और मेरे पूरे ग्रुप का केवल यही एक संदेश है कि बजाय इसके कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें या कुछ करें, आप अपने अपने घर की, अपने आसपास की सोच को बदलें, लोगों की सोच को बदलें, बाद में धीरे धीरे देश अपने आप ही बदल जाएगा। तो बजाय दूसरों को करेक्ट करने के, अपनी सोच को नारियों के प्रति ठीक कर लीजिए, बाकी सब अपने आप ठीक होता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी। थैंक यू। कैमरामैन साधब के साथ मैं पवन राज, JKK न्यूज़।